팀 होगा नाम दिया गया है मैच 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 अश्विन जी मैच चालू कीजिए मैच परशुराम जी पंड्या इज अ बैक मैन ऑफ द मैच का आवाज जा रहा है हार्दिक पंड्या फूफो पंड्या महात्मा परशुराम जी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं परशुराम पंड्या परशुराम विश्वकर्मा अनेक नामों से महात्मा को नवाजा जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को आज एक अनमोल जीत दिलाई जो कि शरद जी किधर और वहां पर लंगड़ी का एक शानदार नजारा देखने को मिल रहा है कैमरामैन से कहूंगा कैमरामैन कि उन्होंने उस खेलों को भी कवर करना है अपने कैमरा के नजरों में लंगड़ी के बहन देखो उनका जो तौर तरीका है बहुत चालू है खुद को सहनशीलता के साथ सामने वाले जो कैमरामैन के महात्मा है और बड़ी विनम्रता से सामने वाले को बोल रहे है कि हम आपके प्रति बहुत सम्मानित ऋषि कमल जी बाबा रामचंद्र जी मैंने भी सभी बहुत सुंदर नजारा लंगड़ी का एक गुलाबी दुपट्टे में जो दिखाई दे रही है बहने वो एक टीम का नेतृत्व कर रही है और वही दूसरे तरफ ग्रीन कलर के जो दुपट्टा पहने हुए बहने वो डिफेंडिंग का नेतृत्व कर रहे हैं तो यही टीम में जो देख रहा है मैं बहुत ही ऋषि कमल जी बापा रामचंद्र जी और ऋषि कमल जी टीम के कप्तान दोनों जने टॉस के लिए आना है और वाइड बॉल का इशारा यहाँ पे अंपायर द्वारा और हम देख रहे हैं किस प्रकार से वहाँ पे लंगड़ी की जो मैच हो रही है और डॉज बॉल का मैच हो रहा है दोनों ही मैचों का आनंद ले रहे कैमरामैन ने इन तीनों खेलों को अपने कैमरे के नजरों में कैद कर रहे क्योंकि शरद जी और यतीन जी दोनों स्टेज के पास आ जाए विजय पाटिल जी ने इस गेंद को उठाकर बहुत ही तेजी के साथ दो रन चुरा लिए और किशोर जी थोड़े से नाखुश नजर आते हैं अपने प्लेयरों से और बापा रामचंद्र जी के कप्तान राजू जी यहाँ पे उपस्थित है और विशाल मात्रे जी ऋषि कमल जी और ये दोनों जन और बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश किया यहाँ पे किशोर जी ने और अपील करते हुए एक रन का इजाफा हुआ चार बॉल छह रन एक ओवर सात रन पांच बॉल सात रन पांच बॉल चार बॉल सात रन अभी इसके बाद जो मैच हो रहा है दोन लगातार व्हाइट आहे
दोन लगातार व्हायटल नो बोलो धावले क्या इसके बाद जो मैच हो रही है अश्विन जी दो मिनट वेट 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 ऐसे जरा क्लियर करो ना नो बॉल पे रन था क्या नो बॉल पे दो रन भागे थे हाँ एक रन भागे एक नो बॉल ये जो मैच हो रही है उसके बाद जो मैच होगी उसके लिए अंपायर रहेंगे उमेश जोशी जी और उनके साथ सुदन दादने जी दोनों विनर टीम के जो कैप्टन है वो एक साथ अंपायरिंग करेंगे एक ओवर पंद्रह रन हेलो सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद दाएं बाएं जितने भी प्लेयर्स हैं खेलने वाले हैं चाहे बहने भाई हैं एक बार जोर से सभी मिलजुल करके बोले सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। अब इस समय जो मैच चल रही है जो संतोष सिंह जी महाराज के जीवन पर एक टीम खेल रही है संत निरंकारी मिशन में वो एक मिसाल रही है जब बाबा अवतार सिंह जी महाराज के साथ में इन्होंने ज्ञान लिया और जब संत निरंकारी मंडल की स्थापना हुई 1948 में तब जाकर के मिशन का बहुत सारा प्रचार करना था। ये मैच जो लाइव चल रही है जहाँ निरंकारी शानदार गगनचुंबी छक्का मार रहे हैं यहाँ पे चार रन के लिए और प्यार से कहिए सत्संगत जहाँ ये एकत्र का मैसेज जा रहा है तो जिनके जीवन पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो ये भी बताना जरूरी है महात्मा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पास उस वक्त कोई साधन नहीं था। महात्मा संतोष सिंह जी महाराज ने अपने जो धर्म पत्नी के गहने बेच करके सेवा की कायम कर दी और वो मंडल में एक एम्बेसडर गाड़ी बाबा अवतार सिंह जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। आज मंडल में बहुत सारी गाड़ियां हैं बहुत सारा खुद का वर्कशॉप है लेकिन उस जमाने में एक मिसाल कायम कर संतोष सिंह जी महाराज ने। तो मैं भी निवेदन करता हूँ खिलाड़ियों से कि आप भी कुछ योगदान दें सेवा में ताकि कोई गाड़ी झोंड में ला करके दे दे ताकि हम भी प्रचार कर सके प्यार से कहिए धन का 19 रन 19 नाना महाराज जी कृपया करके जहाँ पे आवाज सुन रहे नाना महाराज जी जो दौड़ली कल्याण यूनिट के नाना जी कृपया करके दो बॉल 20 रन नाना जी नाना कुडात टच करिया एम्पर प्लीज बापा रामचंद्र जी के प्लीज जल्दी करो बापा समय कम हो रहा है
भापा रामचंद्र जी के टीम के जितने भी प्लेयर है, भापा रामचंद्र जी के टीम के जितने भी प्लेयर है उन सभी को उनके कप्तान ने राइट साइड में जो पंडाल है वहां पे बुलाया है। भापा रामचंद्र जी के टीम के सारे प्लेयरों को उनके कप्तान ने जो डॉज बॉल के बाजू में पंडाल है वहां पे बुलाया है, तो आप सभी ने पहुंचना है। और ये विजय जी ने बहुत ही सुंदर शॉट लगाने का प्रयास किया पर हाथ में बैट घूम गया जिस तरह जो बॉल कनेक्ट नहीं हो पाई, और इसी बीच एक रन तेजी के साथ कंप्लीट करते हुए 3 बॉल 21 रन और इस ओवर में और 3 गेंदें शेष है। ऋषि व्यासदेव जो टीम के कप्तान जो अभी अगली गेंद का सामना करेंगे, और हम देख रहे किस प्रकार से लंगड़ी डॉज बॉल ये सारे मैच भी हो रहे, और ये बहनें भी महात्माओं के साथ कदमों से कदम मिला करके इन भाइयों के साथ सेवा में तो खड़े रहते ही है, पर यहां में भी खड़े, और यहाँ पे इसी बीच कप्तान का विकेट जाता हुआ और समीर जी पवेलियन की तरफ आते हुए, और आखिरी 2 गेंदों का सामना करने के लिए विजय जी तैयार। चला समीर जी बाहर चला। पांच बॉल 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का नमूना पेश किया और रन आउट की इसमें 3 विकेट गवा चुकी है। 22 रन बनाने जल्दी चलो जल्दी चलो ये मैच जीतने के लिए। विजय जी 2 बार आउट हो गए। जल्दी करो किशोर जी अपने टीम। किशोर जी जल्दी अपना बाहर चले और अपना बैटमिन पटवा। महात्मा जी समय कम है जल्दी करो कृपा करके। जल्दी अरे जाने तो पानी अंबर के लिए पानी चो यतीन जी दो सौ यतीन जी दो
कौन रोल कर रहा है उनके ऊपर। संतोष जी के टीम के कप्तान के चरणों में निवेदन है कि उन्हें अपने प्लेयर का नाम बताने के लिए प्लेयर भेजना है। संतोष जी टीम के महात्मा कप्तान के चरणों में निवेदन है कि उन्होंने अपने प्लेयर का नाम बताने के लिए प्लेयर भेजना है कमेंट्री बॉक्स में। तन्मय जी और संकेत ये दोनों महात्मा अपनी टीम की जिम्मेदारी निभाएंगे। और ऋषि व्यासदेव जी की टीम की तरफ से बॉलिंग का पहला ओवर लेकर गए शिवम शिंदे जी जिन्होंने पहले मैच में भी प्यार से कहिए धनकार। अब जो फील्डिंग कर रही है टीम ऋषि व्यासदेव जी महाराज की, तो आज जो नजारा महाराष्ट्र में आज हम जो आनंद ले रहे हैं इसी महात्मा की बदौलत है जो यह महाराष्ट्र में जिन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे मिसालें आज हम देखते हैं कि मिशन के लिए जेल भी महात्मा जा चुके हैं और उन्हीं के साथ माता कांता जी जिन्हें योगदान दिया। और मैं निवेदन करता हूं कि उनके जीवन की एक बहुत सुंदर बात कि ऋषि व्यासदेव जी महाराज बहुत विनम्रता वाले सेवा भाव वाले महात्मा हुए। तो एक दफा चेंबर भवन में आदेश हुआ किसी महात्माओं को कि शौचालयों को साफ करना था। ऋषि व्यासदेव जी सवेरे 4 बजे उठ कर के महात्माओं के जागने से पहले जो है वो शौचालयों को साफ करके आए, अपने मुंह को ढके हुए थे। तो महापुरुषों ने पूछ देखा तो ऋषि व्यासदेव स्वयं सेवा कर रहे थे। तो निवेदन करता हूँ हमारे टीम के सारे प्लेयर्स को भी कि अगर कहीं शौचालय में सेवा लगती है समागम के दौरान तो बिल्कुल आगे पीछे न देखते हुए सेवाओं को करें, क्योंकि ऋषि व्यासदेव जी की टी शर्ट आपने पहनी हुई है और ये सेवाएं बरकरार हो और प्रचार में भी हम योगदान दे उस महात्मा ने जिससे प्रकार से जीवन जिया है जिसके बदौलत आज हम आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद है ऐसे महापुरुष को, आज अभिवादन हम करते हैं सारी संगत की ओर से। और भवन के सारे शौचालय बहुत गंदे हो चुके तो वो भी साफ करने की कृपा करें। प्यार से कहिए धन्यवाद। नीलखंड जी ने जो बात की कि है कि सेवा दल स्वयं उस कर्म में गए 3 साल से उल्लास नगर क्षेत्र शौचालयों की सेवा कर रहे हैं महाराष्ट्र संत समागम में और उनके साथ जो भी सेवा आती है सेवा दल अपना तन मन धन लगा के बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं अपने अधिकारियों के साथ उनके आदेशों के साथ। और ये भी जो है आशीर्वाद का प्रोग्राम है जो दिल्ली समागम मुंबई समागम में जो सेवा दल अपनी सेवा निभाते हैं और एक खुशी के लिए फ्रेंडशिप के लिए एक अपनापन की भावना के लिए एक खेल का भावना लिया है क्रिकेट पर ऑनलेस लंगड़ी हो या थ्रो बॉल। और हमारे बीच में महात्मा जो अपने दो विचार बताएंगे महात्मा शशिकांत जी दो शब्द अपने। ये जो गेंद थी ना अभी शिवम जी ने अगर इसको थोड़ी और अंदर रखे होते ना तो यहाँ पे बैट्समैन को पवेलियन की तरफ जाने का रास्ता था क्योंकि थोड़ा सा और अंदर रहती थी वो तो। और यहाँ पे तन्मय जी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ से अविनाश जी बता रहे और इस बीच पांच बॉल 11 रन खर्च कर चुके शिवम जी अपने गेंदबाजी में और पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर के। हेलो सत संगत ऋषि व्यासदेव जी महाराज के जीवन की कुछ बातें हैं। जब ऋषि व्यासदेव जी महाराज उस जमाने में राज घराने से बिलोंग करते थे बाबा सिंह जी महाराज से आदेश हुआ
कि आप मुंबई में जाकर प्रचार करना है। ना उन्हें कोई भाषा आती थी, ना यहाँ की बोली समझती थी, फिर भी आकर के मुंबई में बस गए 110 मीटर का। और आज देख रहे हैं ये जो नजारा हम देख रहे हैं, ऋषि व्यासदेव जी महाराज की बड़ी देन है कि जिनके कारण ही आज हम एकत्व की बात आज हम देख रहे हैं। सच्चे पाशा ने हमें बताई, लेकिन वननेस की बात तो ऋषि व्यासदेव उसी वक्त शुरू कर दी। महात्मा मांडवकर जी, महात्मा फणसे जी, ऐसे न जाने एक एक महात्मा उनके साथ जुड़ते गए और एकत्व उसी वक्त स्थापन हुआ। और जो आज भी बरकरार है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें वो शब्द दे दिए और जिसका आज हम यहाँ बैठ करके खुले रूप में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो जो ऋषि व्यास टी शर्ट पहन के महात्मा खेल रहे हैं, तो घर जाके उनकी किताब को जरूर पढ़ना और उनसे एक बात अपने जीवन में कर्म में लाना, बड़ी कृपा होगी। छह बॉल में 5 रन की आवश्यकता है, जल्द से जल्द फील्ड लगानी है। 6 बॉल में 5 रन, अंपायर 17 रन। अश्विन जी अंपायर 17 रन 17। जल्द से जल्द फील्ड लगानी है अंपायर, गेम चालू करा। हेलो, जहाँ तक न्यूटन जी ने बताया, सदगुरु अपने भक्तों का ही नाम आगे बढ़ाता है। स्वयं सदगुरु तीन लोक का मालिक है, सब कुछ करता है, जो ये कार्य भी सदगुरु ही कर रहा है। सिर्फ भक्तों को आगे बढ़ाता है और भक्त अपना तन मन धन लगा के समर्पण भावना से सेवा का निभाते है और उसी भक्त का नाम आगे बढ़ता है। इसलिए ऋषि कमल जी हो या अवनीत जी हो या सत्संग योगशोक जी हो, जहाँ संतोष सिंह जी हो, लाभ सिंह जी हो। हेलो, और हम देख रहे हैं कि ये जो सुंदर आयोजन हुआ है, इसका ज्यादातर श्रेय जो है शरद मगर जी महात्मा को जाता है, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था इस कार्यक्रम की प्रोग्राम की है। उनके साथी सारे महात्मा, उनके लिए योगदान दिया है बहुत सारा। तो शरद मगर जी की तरफ एक बार कैमरा घुमाओ, क्योंकि सारे महात्मा संगत भी देखे। शरद मगर जी महात्मा स्टेज पे खड़े हो जाए, थोड़े से कैमरे वाले जो है थोड़ा इधर कैमरा घुमा दो। शरद मगर जी को स्टेज पर खड़े हो जाए, देखे सारी साथ संगत भी देखे कि शरद मगर जी कौन महात्मा है जिसने इतना बड़ा आयोजन सुंदर रूप से किया है, और साथ ही साथ यहाँ आसपास के सारे संगते जो है उनको योगदान दे करके सेवा की है। पंजे में पंजे देखते हैं कितने बड़े पंजे मारते हैं विजय जी आज इस बल्लेबाज के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फूल यॉर्कर का प्रयास करते हुए दो गेंदें बहुत ही सही ठिकानों पर डाली है अब तक, और 4 बॉल और इसी तरह से उन्हें डालनी होगी। और जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजी की है विजय जी ने, ऋषि व्यासदेव जी की टीम की कमान को संभाल करके रखा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे, और तीसरी गेंद भी बहुत ही सही ठिकाने पर डाला, सिर्फ 1 रनों के लिए ढकला। और अगर जब तक फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। 3 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है और थोड़े से फील्डरों को भी साथ देना होगा गेंदबाजों का। और इसके बाद उसके बाद जो टीम है टॉस बैटिंग के लिए, कमल जी वर्सेस भापा रामचंद्र जी, ये दोनों टीमों के खिलाड़ी तैयार है और इसके बाद वाले मुकाबले के लिए। और ये ऋषि थोड़ी सी परेशानी होती हुई, और हम देख रहे किस प्रकार से यहाँ पे डॉजबॉल का आनंद लेती हुई बहने, वहां पे लंगड़ी का आनंद लेती हुई बहने,
किस प्रकार से हम देख रहे हैं व्हाइट रेड व्हाइट ऑरेंज और ये कैच है। अगर ये कैच पकड़ लिया तो मैच पकड़ लिया और यहाँ पे कैच मिस होता हुआ चार रनों के साथ ही इस मैच का समापन होता हुआ। चलिए नेक्स्ट टीम नेक्स्ट टीम। महात्मा उमेश जी और महात्मा सुदन जी सभी खिलाड़ियों ने सबसे